The magnificent Aero Show in Bengaluru enters its third day. The huge event provides an opportunity for India to form ties with global firms. This event showcases India's strong, growing defense capabilities with the display of missiles and drones. One such drone tactical airborne platform for aerial surveillance beyond horizon. The resolution of it, its output proves that it is capable of destroying every nefarious design of the enemy without any risk. This unmanned vehicle can send us live pictures by keeping an eye on every movement on the enemy's land. Major Gap. My colleague Shivani brings this ground report from the Aero India Show. Take a look. डीआरडीओ लगातार आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत को और बढ़ा रहा है और आप जो देख रहे हैं वो ये मिसाइल सिस्टम्स हमारी आक्रामकता, हमारी ताकत, हमारे शौर्य का प्रतीक हैं और ये सब मिसाइल्स डीआरडीओ द्वारा बनाई जा रही हैं। इसमें से कुछ मिसाइल्स इंडक्ट की जा चुकी हैं, कुछ इंडक्शन के लिए तैयार हैं और कुछ ही दिनों में इन्हें इंडक्ट किया जाएगा। और क्या है इनकी खासियत, चाहे वो हेलिना मिसाइल हो या फिर MP-ATGM हो या फिर नाग मिसाइल हो जिसको अभी गणतंत्र दिवस पर भी प्रदर्शित किया गया था, क्या खासियत है, इसी के बारे में हम बातचीत करते हैं जो साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, जिन्होंने मेहनत की है इन मिसाइल्स को बनाने में, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ साइंटिस्ट वेंकटेश्वर उलू हैं। सर, क्या खास है, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दीज मिसाइल सिस्टम्स एंड कैसे हमारी लीथल पावर को ये बढ़ा रहे हैं? ये तीनों मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये मेनली एनिमी का टैंक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इससे पहला वाला है नाग है, जो पहला हम लोग डेवलप किया एंड इट इज ऑलरेडी इंडक्टेड टू द सर्विसेज। अब ये प्रोडक्शन में चल रहा है इसका नाग को। एंड अनदर इज हेलिना, विच इज हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड फ्रॉम द नाग ओनली, इट इज ऑल्सो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। थर्ड वाला मैन पोर्टेबल ATGM, ये आदमी पकड़ के लेके आप लोग फाइट कर सकते हैं। तो ये पूरा ज़्यादा नंबर प्रोडक्शन होता है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम से बहुत सारा पूरा कॉम्पोनेंट हम इंडिया में बना रहे हैं और ये इंडस्ट्री को बहुत सारा बूस्ट दे रहे हैं और इकोनॉमी भी बढ़ा रहा है।